ये आ रहे हैं, ओ माय गुडनेस, ओ तेरी, अरे 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 अरे, ये तो लिस्ट ही खत्म नहीं हो रही भाई। KCI की जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्या का वजन है सर, कम से कम 10 kg। तो यहाँ पर 4 डॉग 18 पपीज का लीटर था ये मदर। ये देखो गाइस ऊपर। यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, क्या हाल चाल। सो आज का जो ब्लॉग है बहुत ज़्यादा मज़ेदार, बहुत अलग होने वाला है और बहुत ज़्यादा क्यूट होने वाला है, बिकॉज मैं हूँ फिलहाल हरियाणा के अंदर एक बहुत अमेजिंग गांव के अंदर। और गांव में ना यार, जब भी मतलब कोई लोग कोई भी फार्म या कोई भी घर पे भी डॉग्स रखता है ना, तो वो बहुत अच्छे मेंटेन होते हैं। बिकॉज क्या होता है ना, गाँव का एक इन्वायरमेंट, एक यू नो, घर पे भैंसें, घर पे दूध, सारा कुछ घर का, और बहुत अच्छा खुला डुला इन्वायरमेंट, खेत, डॉग्स के खेलने के लिए जगह, बड़े बड़े बरामदे। तो वैसे ही कुछ जगह आज आपको लेकर आया हूँ। हमारे लवली पाजी हैं जिनके पास जो है बहुत अमेजिंग गोल्डन रिट्रीवर के पपीज़ हुए हैं। पपीज़ ऑलमोस्ट हैं 70 दिन के, और पपीज़ अगर आप देख लोगे ना गाइस, ओ माय गॉड, आपका दिल खुश हो जाएगा। तो मेक श्योर टू वॉच पूरा व्लॉग। तो ज़्यादा समय ना लेते चलिए अंदर चलते हैं। तो गाइस अभी आपको मिलवाते हैं लवली जी से। कैसे हो जी? बढ़िया जी, बढ़िया। और क्या चल रहा है? अरे अरे अरे, गोल्डन रिट्रीवर ही गोल्डन रिट्रीवर किए हुए आपने। तो अभी आपके पास कितने गोल्डन रिट्रीवर है? सर मेरे पास 4 गोल्डन रिट्रीवर हैं। वाओ। और कितना टाइम हो गया वैसे डॉग रखते? डॉग रखते को हो गए कम से कम 7 साल से कर रहे हैं काम। 7 साल से? तो 7 साल यार बहुत लंबा समय होता है गाइस, 7 साल, और स्पेशली गोल्डन रिट्रीवर से। हां जी, गोल्डन रिट्रीवर ही है, वैसे पहले भी रखे थे। तो अभी कितने, सबसे पुराना डॉग कितनी है? सबसे पुराना डॉग है मेरे पास 5 साल का है। और 5 साल का? तो गाइज अगर मैं आपको बताऊं तो अभी फिलहाल जो है, जैसे एक चीज़ और बताओ लवली पाजी, जैसे अगर आप घर पे डॉग्स रखते हो जैसे, है ना, तो घर पे डॉग्स रखना, इतने डॉग्स रखना आसान है या मुश्किल है? इतने सारे डॉग्स को मेंटेन करना बहुत नहीं, मेंटेन करना तो बहुत मुश्किल है, पर ये है कि मतलब पूरी फैमिली को ही केयर करना पड़ता है। अच्छा, क्या बात है। कितने घंटे लग जाते हैं, मतलब पूरा दिन लग जाता है या कुछ स्पेसिफिक टाइम? मतलब एक सुबह का टाइम होता है जैसे 2-3 घंटे के लिए इनको, समझ गया, ओपन कर दिया, ओपन कर दिया, घुमा लाए, घुमा लाए, और बस ये। और डाइट, डाइट क्या देते हो आप इनको? डाइट तो फीडिंग पे ही रखते हैं, और घर का खाना कुछ सही है। और नॉन वेज, मतलब आप घर पे नॉन वेज बनाते हैं या सिर्फ वेज फूड और डॉग फूड? नॉन वेज भी दे देते हैं, नॉन वेज भी जरूरी है डॉग के लिए। वो तो है, बिल्कुल बिल्कुल। ये देखना, ये मेरे को ये भी हेलो कर रही थी। हेलो, ओए, ये फीमेल है ना? हेलो हेलो, देख रहे हो, इसके पप्पीज हुए हैं क्या? अरे वाह, क्या बात है। हेलो, इसकी एज कितनी है बाजी? इसकी एज है सर 2 साल एज है। 2 साल एज है इसकी। वाह, एक चीज तो देखनी पड़ेगी गाइस, जब भी आप डॉग्स रखते ना, मतलब मेरे घर पे तो सिर्फ 1 या 2 डॉग, जब मेरे घर जहाँ भी रह रहा हूँ उन्हीं को मेंटेन करने में पूरा दिन लग जाता है। तो यहाँ पर 4 डॉग्स, और टोटल पपीज कितने थे अभी आपके पास? पपीज मेरे पास 8 पपीज हैं अभी, और पहले कितने थे? लीटर 11 पपीज का लीटर था ये मदर है उनकी। वो देखो भाग रही है उधर, आंटी के पास गए। वाह, ये देखो गाइस ऊपर, ये ले। ये चीज़ एक तो माननी पड़ेगी, जैसे हम लोग शहरों में रहते हैं ना, तो शहरों में ये चीज़ बहुत मिस करते हैं, खुली खुली यू नो मैदान, खुले खुले खेत। देखो भी सराउंडिंग जब आप देखोगे तो यहाँ पर सारी चीज़ें बहुत ओपन है। और गांव में जो ना, जब भी हम आते हैं तो बरामदे बहुत बड़े होते हैं, जैसे आप आते हैं तो कितनी ज़्यादा जगह है डॉग्स के रखने के लिए, खेलने के लिए। वो देखो, अरे कितनी क्यूट है, छोटी सी हाइट है इसकी, देखना इस डॉग की, बहुत छोटी सी हाइट है, बहुत कॉम्पैक्ट है। दिखाओ भाई नीचे से थोड़ा सा, वो भी आया है मुझे भी लो। गोल्डन रिट्रीवर गाइस, अगर मैं ब्रीड की बात करूँ ना, बहुत अमेजिंग ब्रीड है। और रिट्रीवर का अगर आपको पता हो हिस्ट्री, तो रिट्रीवर जो है स्पेशली रिट्रीविंग के लिए यूज़ किए जाते थे पानी के अंदर। ये बहुत अच्छे स्विमर्स होते हैं, तो जब भी जैसे लोग शिकार पे जाते थे ना, तो इनको साथ लेके जाया जाते थे कि शिकार अगर पानी में गिर जाए तो पानी में जाके ये शिकार को पकड़ के ले आए। तो रिट्रीविंग बहुत अच्छे करते हैं, और ये इनका मेल है। अरे वाह, बहुत डार्क कलर है भाई भाजी इसका, है ना। तो ये है असली गोल्डन रिट्रीवर, प्रॉपर गोल्डन कलर में। बाकी सारे इसके अंदर मैं देख रहा हूँ कि आपके पास अलग अलग शेड्स वाले डॉग भी हैं, जैसे ये थोड़ा सा क्रीमी शेड में आ गए, वो दोनों बहुत डार्क हो गए। जो मतलब मेन लाइन का कलर है ना, वो तो वही है, क्रीम वाला। क्रीम वाला। और ये वैसे है कौन सी लाइन, लाइन से? ये सनी सेकंड लाइन से है। अच्छा, सनी पाजी की, क्या बात है। तो सनी पाजी की भी हमने पहले वीडियो बनाई है, तो उनके पास भी बहुत अमेजिंग डॉग्स हैं, और बहुत अमेजिंग लाइनेज के डॉग है, सारे इम्पोर्ट लाइनेज के डॉग है। तो ये भी डॉग भी उनकी लाइनेज से? हाँ जी, उनकी लाइन से ही है ये डॉग। और ये अभी एज कितनी है इसकी डॉग की? ओ
यही बात कर रहे थे कि भैया ये बहुत ज्यादा शरारती है, और वो देखो उसको, वो देखो उसने छूटते ही जतिन के पीछे पड़ गया वो। वाह, और देखो उधर से वो। तो गोल्डन रिट्रीवर ना, एक चीज मैंने नोटिस की है कि बहुत ज्यादा ना प्यार लेने वाले डॉग्स हैं ये। देखो, अरे अरे बस बस हो। ये देखो देखो देखो, खुश हो गया। अरे मैंने तेरे को क्या कहा है? मैंने तेरे को कुछ कहा भी नहीं अभी। वो देखो वो ऐसे ही, अरे अरे अरे, वो ऐसे ही खुश हो रहे हैं। बहुत हैप्पी डॉग है भाई ये तो। तो ये देख रहे हो, एक तो ये चीज़ देखने वाली होती है कि गोल्डन रिट्रीवर ना बेफालतू में खुश होते रहते हैं। देखो ये देखो अभी ये, हाँ हाँ खुश हो रही है। देखो हाँ, और हर टाइम खेलने के मूड में। वाह, तो अभी जो है पपीज़ को हम निकालेंगे बाहर, और आप पीछे देख सकते हो, पीछे भी बहुत सारा स्पेस है और यहाँ पे भी बहुत सारा स्पेस है इन डॉग्स के लिए खेलने के लिए। ऊपर पूरी छत है। सो अभी बारी है पपीज़ को निकालने की। तो गाइस ये देखो, ये आ रहे हैं। ओ माय गुडनेस, ओ तेरी, अरे 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 अरे, ये तो लिस्ट ही ख़त्म नहीं हो रही भाई। अभी तो कितने आ गए, चार आ गए। ओ एक और आ गया। अरे 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 अरे, वो देखो पूरा कैमरा के पीछे पूरी गैंग आ गई भाई। माय गुडनेस, कितने दिन के पपीज है पाजी? ये बच्चे हो गए हैं भाई जी इस टाइम 75 दिन के, 75 डेज के हैं सिर्फ ये। अरे भाई ये लग तो ऐसे रहे हैं जैसे कि तीन चार चार महीने के करीब लग रहे हैं, जिस हिसाब से सेहत है यार इनकी। इनका फादर कौन है? इनका फादर डेविल है, पंजाब में है। ओके। और हंटर का सन है पुणे से। वाओ, मतलब कि पूरी इंपोर्ट ब्लड लाइन है मदर साइड भी। अच्छा वाह यार, और लग भी रहे हैं यार ये पपीज पूरे। देख लो ऐसा डाइट दे रहे हो आप इनको, क्या दे रहे हो भाई? इतनी डाइट तो हमें भी बताओ, हम भी अपने डॉग्स को दें यार। हाँ जी हाँ जी। क्या वैसे क्या डाइट दे रहे हो नॉर्मली इनको अभी पपी? डाइट का ऐसा सर कि पनीर वगैरह। और कितना टाइम दे रहे हो? और देते चार टाइम है। चार टाइम? वाओ, चार टाइम, चार टाइम देते। क्या बात है। इनके लिए कोट कंडीशन भी बहुत अच्छी है। जैसे कभी कभार क्या होता है ना, अभी एक ये इस टाइम पीरियड टाइम ऐसा है कि डॉग्स जो है जब ग्रोथ करता है तो वो हल्के हो जाते हैं, वो पतले दिखने लग जाते हैं, पर कोई इनमें से एक भी पप्पी ऐसा नहीं है जिसको मैं कह दूं कि हल्का लग रहा है। वाओ, तो अभी एक एक करके जो है गाइस आपको पपीज दिखाते हैं, इनको सभी को जो है ऊपर यहाँ पर बिठा के आपको एक एक डॉग से मिलाते हैं। ओके गाइस, तो अभी आप देख रहे हो अभी फिलहाल थोड़ा थोड़ा जो है इनको ब्रशिंग हो रही है। वैसे दिन में कितना टाइम ब्रश करते हो आप अपनी? ब्रश तो सर जितने बार भी खाना देते हैं उसके बाद करते ही हैं। करते ही हैं हर डॉग को? ऐसा है ना कि कई बार मतलब फेस पे, बाकी ये है ना कि इनकी कोट कंडीशन सही रखने के लिए तो ब्रशिंग करनी बहुत जरूरी है ना। बचपन से ही अगर आप ब्रशिंग करोगे गाइस रेगुलर, जब भी आप गोल्डन रिट्रीवर या शिह ट्जू जैसी कोई लॉन्ग हेयर ब्रीड रखोगे ना, तो हमेशा उनको टाइम टू टाइम ग्रूम करना बहुत जरूरी है। और देखो भैया ग्रूम करते हैं, उसकी वजह से ही इनके कोट बहुत प्यारे हैं। देखो इसका कोट आप देखोगे ना, बहुत ज्यादा सिल्की है। और जबकि मेरे को लगता नहीं इनको अभी आपने नहलाया है ना? नहीं नहीं नहीं, अब तक नहीं नहलाया ना? नहीं नहीं नहीं, क्लीन करते हैं बच्चे को हफ्ते में एक बार, इससे ज्यादा नहीं, मतलब जब दिखता है कि। और गाइस मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो पपीज है ना सभी के सभी जो है केसीआई रजिस्टर्ड है। और अभी मैं आपको इनके जो है केसीआई पेपर्स भी दिखाऊंगा। मैंने भी ना अभी तक कितनी वीडियोस बनाई है, बट आज तक मैं भी एक घर में एक जगह पे ऐसे नहीं गया जिस भाई के पास ऑन द स्पॉट केसीआई पेपर्स रेडी हो सभी पेपर्स के। तो अगर आप इन डॉग को अपने घर लेकर जाते हो, सो यू गोना गेट अ केसीआई रजिस्टर्ड पेपर हैंड टू हैंड, राइट? वो सबसे मेन चीज है, बिकॉज हाथों हाथ आपको, उसके बाद आपको बार बार, क्योंकि क्या होता है ना, आप एक बार डॉग ले जाते हो बाद में उसकी रजिस्ट्रेशन माइक्रोचिप के लिए आप इंसान के पीछे घूमते रहते हो, तो यहाँ पे मुझे नहीं लगता वो। नहीं नहीं नहीं, हम। और एक बच्चे का वजन कितना होगा तकरीबन? बच्चा का वजन है सर कम से कम 10 kg। वाओ भाई ये देख रहे हो, ये 10 kg वजन है भाई, 10 kg एक ना, मतलब अगर नॉर्मल रिट्रीवर की बात करूँ जो नॉर्मली हम घर पर लेकर आते हैं, मैंने बहुत दिखाए हैं, 10 kg वजन उनका चौथे पांचवें महीने में जाके होता है, जिनका भी ये 2.5 महीने में करे फिर रहे हैं भाई। हाँ जी बहुत। और ये इसका कलर बहुत प्यारा है इस पप्पी का, देख रहे हो। अच्छा एक चीज ना सबसे मेन, अभी देखो अभी आप ये डॉग्स खड़े हैं, तो अभी एक चीज देखना, ये जो पपीज है ना इनमें से कुछ पपीज तो स्पेशली अगर आप अच्छे वेल ट्रेन किसी अच्छे घरों में जाएं, शो होम्स के जाएं, तो डॉग शो खेलते हैं। ये बच्चा सबसे ज्यादा स्टे है। ये देखो इसकी टॉप लाइन देखो, इसके मजल देखो, इसकी देखो बाइट बिल्कुल प्रॉपर है, इसका कलर कोट कंडीशन एवरीथिंग इज वेरी प्रॉपर। और बोन साइज, इसका हाथ का पंजे का साइज एक बार आप देखो कि
मैंने बहुत कम लीटर देखा, और मैं जब आया ना मेरा फर्स्ट रिएक्शन यही था इन पपीज़ को लेके कि ऐसा लीटर मैं बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ। देखो वाह ये। ओके गाइस, तो मैं आपको एक छोटा सा वे सिखा देता हूँ कि अगर आपके पास इनमें से कोई पपी जाता है इन फ्यूचर, है ना, या आप भी कोई गोल्डन रिट्रीवर का पपी लेके आते हैं, कोई भी लॉन्ग कोट का पपी लेके आते हैं, तो उसकी ब्रशिंग कैसे करनी है। तो जो मैंने तरीका सीखा है अच्छे ग्रूमर से, वो तो ये है कि सबसे पहले जो है आप एक वे से पहले, जैसे नीचे हम कोट की निचली साइड जो है इसको ऐसे आप ब्रश करो, उसके बाद इसको उल्टा ब्रश करो ऐसे। ओके गाइस, सो अभी मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ वो है KCI की जो है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये इन्हीं सभी पपीज़ के हैं, और यहाँ पर इनकी बर्थ डेट से लेके 23/5/2023 से लेके हर एक चीज़ की जो है पूरी डिटेल्स इसमें आपको मिल जाती है, और माइक्रोचिप भी होगी इनके साथ, है ना। तो गाइस ये जो है अभी फिलहाल 8 जो है मेल डॉग्स हैं। तो अगर आपको जो है कुछ भी डिटेल चाहिए तो मैं भैया आपका नंबर प्लीज़ हमारे को बोल दीजिए ऑडियंस को, 9466360722। तो ये नंबर आपको स्क्रीन पर भी अभी फ्लैश हो रहा होगा, तो अगर आपको भी कोई डिटेल चाहिए तो आप भैया को जो है इंस्टाग्राम, इनका व्हाट्सएप, कहीं पर भी आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो बाकी अगर मैं बात करूँ इन पपीज़ की लाइन एज की, तो जो जैसे आपको मैंने अभी स्टार्टिंग में इनकी मदर भी दिखाई थी, बहुत चीज़ मैटर करती है। देखो अगर हम KCI पेपर देखें तो यहाँ पर इनके फादर का नेम है, ये इनकी मदर है, आगे देखिए चैम्पियन हंटर लवली, ये जो सारी है ये सारी की सारी इनकी लाइन एज है। इनके माता पिता मदर साइड की चैम्पियनशिप, देखो इंडियन चैम्पियनशिप इधर से, या फिर चैम्पियन हंटर, तो ये जो बेसिकली ब्लड लाइन होती है ना बहुत मैटर करती है जब आप डॉग चूज करते हो, बिकॉज वो उसका एग्रेशन, वो उसकी पूरी की पूरी जितनी भी उसकी चीज़ें हैं सारा मैटर करता है, उसका पूरा का पूरा एक DNA मैटर करता है। तो यहाँ पर जैसे भी आप एक पपी देख रहे हो, अब ये देखो, अब ये नॉर्मली स्ट्रेट खड़ा है, अगर ये नॉर्मली स्ट्रेट खड़ा हो रहा है फिर भी जो इसकी टॉप लाइन से लेके इसकी पूरी बॉडी जो है वो शो क्वालिटी, और साथ ही साथ ना गोल्डन रिट्रीवर में एक चीज़ बहुत कॉमनली देखी जाती है, जो पिछली टांगे बहुत कमज़ोर होती है ना, मैंने जो आज तक कहीं लाइनों में देखा है कि पिछली टांगों में बहुत कमज़ोरी होती है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं इन डॉग्स की बात करूँ, ये पपी बहुत अमेजिंग है, जैसे कि आपने अभी देखा अभी कि कितने तरीके से खेल कूद रहे हैं, और बहुत मेहनत लगती है यार इन पपीज़ की सेवा में, पूरे दिन सुबह शाम मैंने देखे ये लगे हुए यार, बहुत खर्चा होता है गाइस, बहुत एक्सपेंसिव होता है इनको इतने अच्छे से मेंटेन रखना। तो बाकी बहुत अच्छा लगा भैया, थैंक यू सो मच, आपने टाइम निकाला, और बहुत अमेजिंग पपीज़ है गाइस। अगर आपको इन पपीज़ में से कोई भी पपी पसंद आ रहा है तो आप भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, बाकी आपको मैंने ये चीज़ तो पूरी दिखाई दी है, ये चीज़ बहुत मैटर करती है, याद रखना आप भी जब भी एक अच्छा अमाउंट स्पेंड करके एक पार्टनर अपने घर पर लेकर आते हो ना, एक बच्चा अपने घर पर लेकर आते हो, तो ये ज़रूर नोटिस करना कि उसके मदर फादर कैसे हैं। बाकी थैंक यू सो मच भाजी, जल्दी से दोबारा मुलाकात होगी, और मिलते हैं हम आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में, और ज़रूर बताना आपको इन सब में से कौन सा सबसे बढ़िया पपी लगा कमेंट में।